हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर से जुड़े चार चरणों को लिखे। तो जाइगोटिन एवं बैचिटिन में गुणसूत्र अभिखंडित होते हैं, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि दो श्रृंखला वाले द्विसंयोजी के 50% में होने वाला एकल विनिमय भी यही परिणाम उत्पन्न करेगा, अर्थात दो पैतृक वे दो सम्मिलित चार श्रृंखलीय अवस्था में एकल विनिमय दो पैहक प्रकार एवं दो सम्मिलित उत्पन्न करता है। यह सच्चाई गुलाबी फफूंदी में विनिमय के अध्ययन में पाई गई है। इसके एसआई एस्को स्पोर रखते हैं जो रेखीय तरीके से व्यवस्थित होते हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन के दोहरे विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं जो आगे एक सूत्री विभाजन से बढ़ता है। अगर विनिमय दो श्रृंखलीय अवस्था में होता तो सभी एस्कोपोर सम्मिलित होंगे एवं दो प्रकार से 4+4 तरीके में व्यवस्थित होंगे। अगर विनिमय चार श्रृंखला अवस्था में होता है तो 2+2+2+2 या 2+4+2 की अवस्था के साथ दो पैहक प्रकार के दो एवं दो सम्मिलित प्रकार के होंगे। विनिमय की अनुपस्थिति 4+4 की व्यवस्था द्वारा सूचित होगी। सामान्य कवक वे एल्बिनो कवक के बीच काश या पूर्व परिपक्व होने वाली या देर से परिपक्व होने वाली प्रजातियों के बीच क्रॉस एसआई उत्पन्न करेगा। सो थैंक यू।